हे दोस्तों, तो स्वागत है आपका शिमला फैमिली ट्रिप के लास्ट एपिसोड। तो दोस्तों, शिमला ट्रिप के हम 3 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वो नहीं देखे वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये शिमला ट्रिप का लास्ट एपिसोड है। इसमें हम कवर करेंगे ग्रीन वैली, साथ ही साथ अभी हम कुफरी से वापस जा रहे हैं शिमला की तरफ, तो रास्ते में ग्रीन वैली पड़ता है उसको आपको दिखाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसको कवर नहीं कर पाए थे, टाइमिंग थोड़ा कम था तो इसीलिए। तो अभी हम लोग ग्रीन वैली की ओर चल रहे हैं, फिर उसके बाद में हम शिमला पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम बद्दी की ओर जाएंगे बाय ट्रेन। तो हम टॉय ट्रेन भी आपको दिखाएंगे कि उसका सफ़र कैसा होता है, साथ ही साथ स्टेशन भी आपको थोड़ा सा घुमाएंगे। तो चलिए अभी करते हैं इसको कंटिन्यू आगे। हे गाइस, तो ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, इसे हम ग्रीन वैली के नाम से जानते हैं, और ये भी एक सेल्फी पॉइंट है। तो पीछे देख सकते हैं ये वाले जो पहाड़ है, ये पूरे ग्रीन है और पूरे ढके हुए हैं एकदम पेड़ों से, तो इसे हम ग्रीन वैली के नाम से जानते हैं। और ये देवदार के एक्चुअली पेड़ है जो लगभग 200 फीट ऊंचे हैं। तो कुफरी से वापस आते हैं तो जगह में ये रास्ते में ही एक पॉइंट पड़ता है जिसे हम ग्रीन वैली के नाम से जानते हैं। टाइम 5:30 हो चुका है और अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बस स्टेशन, हमने शॉर्टकट लिया है। मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि हमने टिकट की बुकिंग ऑलरेडी करा रखी है, तो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाके टॉय ट्रेन में अपने बैठते हैं। हमारी ट्रेन है 6:35 की, तो चलिए आपको दिखा स्टेशन पहुँच के मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। बाकी यहाँ शॉर्टकट मेरे पीछे बस स्टैंड है उस साइड। बाय बाय शिमला, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, बाय बाय शिमला। तो अभी स्टेशन आ चुके हैं, आप पीछे व्यू तो देख ही पा रहे होंगे शिमला का उस साइड पे। हे गाइस, तो अभी ट्रेन में थोड़ा टाइम है तो सोचा खाना खाने, भूख लग रही थी और खाना हमने लगवा लिया। बाकी फैमिली लोग अभी ऊपर हैं तो वो लोग आएंगे तो उनको भी खिलाएंगे यहाँ का खाना। बाकी बहुत ही अच्छा है, और सबसे अच्छी बात ऊपर खाना बहुत महंगा पड़ता है और यहाँ ये 60 रुपये की थाली है, बहुत ही बेस्ट। यही सेम खाना हमने ऊपर करीब 150 का खाया था। तो अगर आप कभी भी आते हैं ट्रेन से तो यहाँ पर खाना जरूर खाइए, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ेगा। तो बाकी अब आगे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो ये रहा यहाँ का व्यू, ये स्टेशन का उस साइड से मिला, ये रहा प्लेटफॉर्म। और इस साइड आप वैली देख पा रहे हैं, और वो सामने बादल में बहुत ही प्यारी शेड्स आ रखे हैं। इस साइड वैली का व्यू बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, मजा आ गया देख के। तो मेरे पीछे का व्यू देख पा रहे हैं वैली का, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। और पीछे जो आसमान में शेड आ रहा है ना सनसेट का, बहुत ही प्यारा है, अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। और एक ट्रैक है हमारे सामने जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। Yeah.
हे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस ब्लॉग में बहुत ही मजे आ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया शिमला का रेलवे स्टेशन और वहाँ से सनसेट का कितना प्यारा व्यू था, और वहाँ से जो शिमला दिखाई देता है वो कितना प्यारा व्यू था, और साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रेन में अभी कितनी ज़्यादा मस्ती की, कितना ज़्यादा मज़े आए, डांस किया, और भी हमारे साथ एक दो फैमिली थी उन लोगों ने भी साथ में हमारे इन्जॉयमेंट किया जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था अभी। और वाकई व्यू बहुत ही प्यारा है, नाइट व्यू आप लोग देख सकते हैं। डे का अलग ही एक मज़ा आता है ट्रेन में सफ़र करने का, बट नाइट का भी एक अलग ही मज़ा है। आप लोग देख सकते हैं कि सोलन से थोड़ा सा ऊपर वहां से आपको शिमला की पहाड़ियां दिखाई देने लग जाती हैं, पूरा एकदम लाइटिंग वाले पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग एक बार दिन में सफ़र कर लें टॉय ट्रेन का, और एक बार रात को भी जरूर करें ताकि आप दोनों का एक्सपीरियंस ले सकें, डे का भी और नाइट का भी, क्योंकि दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। दिन में आप नेचर देखेंगे, ब्यूटी देखेंगे, रात में आप लाइटिंग देखेंगे जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस शिमला सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये शिमला सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा पार्ट आपको इसमें कौन सा लगा। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का एक